एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसा मोबाइल फोन डिस्कस करने वाले हैं जो कि पाकिस्तान में अभी लॉन्च तो नहीं हुआ। कंपनी ने ये तो कहा था कि जल्दी लॉन्च हो जाएगा, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ। उसकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, कौन सा मोबाइल फोन है, उसमें क्या क्या लगा हुआ है, उसमें कितने कलर्स में आ रहा है, सब कुछ डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। सबसे पहले मोबाइल फोन की बात कर लेते हैं कि टेक्नो स्पार्क 20 प्रो प्लस। प्रो है तो प्लस क्यों है आई डोंट नो, लेकिन ये कि अभी तक जो इसके बारे में पता चला है उसके हवाले से अभी तक ये बिल्कुल परफेक्ट मोबाइल होने वाला है। लुक लाइक इन्फिनिक्स का 030। जब इन्फिनिक्स ने 030 लॉन्च किया और काफ़ी ज़्यादा हैवी मार्केट उसकी गई, इसीलिए टेक्नो ने बोला कि भाई हम क्यों पीछे रहें, तो उन्होंने टेक्नो का पार्क 20 प्रो प्लस लॉन्च करने का ठाना। तो अभी पाकिस्तानी मार्केट में आना है, इंटरनेशनल मार्केट में आ चुका है, और पाकिस्तान में हमेशा से ऐसा होता है कि जो भी चीज़ होती है वो लास्ट में ही पहुँचती है। कलर्स अभी जस्ट एक ही है जो कि लाइट ग्रीन है और काफ़ी अच्छा कलर वो देखने को मिल रहा है। कैमरे की बात करें तो अपना प्रीवियस मॉडल स्पार्क की तरह इन्होंने बैक पे गोल कैमरा दिया है, दिखने में काफी अच्छा भी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि बुरा लग रहा है, क्योंकि इन्होंने जरा अपना स्टाइल यहाँ पे लगाया है। एक और फीचर स्टार्टिंग में आपको बताता चलूं, एमुलेट कर्व डिस्प्ले के साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिलता है, और ये फीचर जो है यार काफी फाड़ू किस्म का फीचर है, क्योंकि जिस प्राइस टैग में, हर प्राइस टैग अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन जो प्राइस टैग मुझे अभी देखने को मिली है वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो इस प्राइस रेंज में काफी मतलब मुनासिब आस पास ही है 030 के, लेकिन थोड़ा सा नीचे है, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट का तो आपको पता ही है वो मनमानियां ही करते हैं। किस वेरिएंट में आ रहा है, 8/256 में आ रहा है, 8 के साथ 8 एक्सटेंड है, मतलब के 16 GB, वो जो 8 है इसका ज्यादा फंक्शन नहीं है, शिशक ही मारते हैं, 256 रोम के साथ ये आ रहा है, हो सकता है 556 में भी आ जाए, लेकिन ज्यादा जो फोकस इनका है 256 वाली वेरिएंट के साथ आ रहा है। इसकी एक और हाईलाइट आपको बताता चलूं कि मेन कैमरा जो है वो इसका 108 MP है, जबकि फ्रंट कैम की बात करें 32 MP आपको देखने को मिल जाता है, और काफी अच्छी बात है। लेकिन एक इश्यू यहाँ पर यह आता है कि जो ये कैमरा मेंशन करते हैं वो कैमरा होता नहीं है। अब जैसे से नोट 30 का कैमरा है यार, ये लोग मेंशन करते हैं 50, लेकिन है रियल में 16, 1616। तो यार ऐसे सारे मोबाइल फोन में ऐसा ही होता है, जस्ट ये लोग इतने बड़े बड़े नंबर्स लगा देते हैं, लेकिन कैमरा बीच में जो होता है वो 16, 20 इसी तरह आ रहा होता है। पार्क 20 प्रो प्लस की बात करें, एंड्रॉयड 14 के साथ आपको देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है, न्यू चिप सेट है। सिम सपोर्ट की बात करें तो डुअल सिम के साथ आपको ये देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें, 6.78 इंचेस एमुलेट डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है, 120 हर्ट्ज जो है इसका रिफ्रेश रेट होने वाला है। अब बात कर लेते हैं चिप सेट की, तो चिप सेट इसमें MediaTek Helio G99 Ultimate आ रहे हैं, एक होता है G99 सिंपल, एक यहां पर जो इन्होंने दिया है G99 Ultimate दिया हुआ है। और GPU की बात करें तो यहाँ पर मेल G57 MC2 यहाँ पर दिया गया है, हो सके जो बता रहे हैं यही चीज़ें स्पेसिफिकेशंस में आए, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा होता है इंटरनेशनल मार्केट में कुछ और ही लॉन्च होता है, और पाकिस्तान में जब ये चीज़ पहुँचती है तो उसका वेरिएशन इतना लो हो जाता है, इतना गिर जाता है कि हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो एक्सपेक्टेशंस हमारी जो होती हैं वो बिल्कुल पानी पानी हो जाती हैं। अब बात कर लेते हैं ज़रा बैटरी पे, तो बैटरी बाकी मोबाइल की तरह 5000 mAh बैटरी होने वाली है। यार मेरा पहले भी यही कंसर्न था कि यार जिस तरह से मोबाइल के अंदर 120 हर्ट्स और ये 90 हर्ट्स और इस तरह से मजीद और चीज़ें एक्सटेंड होती जा रही हैं, उनको बैटरी भी एक्सटेंड करनी चाहिए, क्योंकि वो जो बैटरी है वो इतना ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाती, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी जो मोबाइल फ़ोन में डालते हैं वो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करती है कम्पेयर टू प्रीवियस मॉडल्स में ज़रा रिफ्रेश रेट और ये सारी चीज़ें कम आती थी, जिसकी वजह से बैटरी मुनासिब थी। 5000 बैटरी इज नॉट इनफ लेटेस्ट मोबाइल फोन, क्योंकि यार उसमें चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं कि तो वो बैटरी उसमें यार मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा देर तक चला सकता है। चार्जिंग की बात करें तो 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग है, लेकिन 33 इज नॉट इनफ फॉर दैट काइंड ऑफ मोबाइल, मिनिमम इन्हें 45 वॉट देना ही चाहिए था, या फिर इसके ऊपर वाला मॉडल भी दे सकते थे। अब बात कर लेते हैं कि लॉन्च कब होगा। यार पाकिस्तान में वैसे बता रहे थे कि 7 फेब 2024 पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन लॉन्च नहीं हुआ, तो हर वेटिंग लिस्ट में ही आ रहा है। पाकिस्तान में तो वैसे ही हर चीज़ लेट ही आती है, तो इसमें भी अभी पता नहीं है कि कब ये एग्जैक्टली डेट्स नहीं दे रहे कि कब ये एग्जैक्टली लॉन्च होगा। प्राइस टैग की बात करें तो 57,000 to 60,000 के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन ये मोबाइल मुझे ज़्यादा कंपैरिजन में दिखने को मिल रहा है 030 की तरह, इन्फिनिक्स 030। तो इन्फिनिक्स ने 030 बनाया, इन्होंने सेम वही चीज़ बनाने की कोशिश की है कि यार किसी तरह हम लोग भी इन्फिनिक्स से 030 को अप्रोच करें, तो उसके हवाले से इन्होंने कैमन 20 प्रो प्लस बना दिया है, जिससे आईफोन प्रो प्लस मैक्स पता नहीं और क्या क्या लगता है उस तरह इन्होंने भी साथ में लगाया है। तो खैर अब जब ये आएगा मोबाइल फ़ोन तब ही
देखने को हमें पता चलेगा कि यार ये मोबाइल फोन कैसा है या इसमें कितनी ताकत मौजूद है कि ये मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा। तो होप सो कि बहुत सी चीजें मैंने क्लियर आउट कर दी होंगी, अगर फिर भी कुछ रह गया तो यार कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। फर्दर जो भी न्यूज़ आती हैं इस मोबाइल फोन के हवाले से तो मैं आपको साथ साथ डिस्कस करता रहूंगा। तो आने वाली कुछ वीडियोज में और भी हम फ्यूचर मोबाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो खुश रहे, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।